नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेट ऑफ बहावलपुर, रियासत बहावलपुर, आज मैं आपको रियासत बहावलपुर के फाउंडर यानी जिन्होंने रियासत बहावलपुर का को बनाया 1748 में, हालांकि ये रियासत जो है ये 228 साल इसका क़याम रहा, और ये दूसरे नवाब थे नवाब बहावल ख़ान अव्वल, तो उनका आज मैं आपको उनका जो जहाँ पे वो दफन है यानी उनकी कब्र, वहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, ज़ाहिर है जी, हमारे ये हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी हुक्मरानी के दौर में तामीरात भी की, तालीमी इदारे भी बनाए और आवाम की खुशहाली के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। हालांकि बहावलपुर ये 1748 से पहले एक छोटी सी बस्ती थी, जिसको फिर 1748 में नवाब बहावल ख़ान अब्बासी ने इसको आबाद किया। इसके गिर्द बड़ी एक दीवार बनाई, और अब तो खैर बहावलपुर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो आज मैं आपको बहावलपुर का जो बानी है बहावलपुर के, उनके उनकी तारीख बताऊंगा, और ये मैं आप गुज़र रहा हूँ। हासनपुर रोड है और यह बगदाद और जदीद स्टेशन से होते हुए करिए रोड जो है ये हुसैनी चौक, फिर आगे वानी उनर चौक। तो ये मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा जो मंदिर हैं बहावलपुर के। बहावलपुर हसीन मंदिर पेश कर रहा है। खुला शहर है, पुरामन शहर है, और ये नवाबों का शहर है, महल्लात का शहर है। तो नाज़रीन, मेरे साथ ही रहिएगा, आज मैं आपको बहावलपुर के बानी उनके जो है मज़ार जहाँ पे वो दफन हैं वहाँ लेके जा रहा हूँ। अब ये है नाज़रीन हुसैनी चौक, और जहाँ से राइट साइड को जो है ये सेटेलाइट टाउन जो है ये शुरू हो रहा है, और ये आगे फिर अब वानी उनर चौक आएगा। सड़कें देखें नाज़रीन, और खुला शहर है, पुरामन शहर है, खूबसूरत शहर है। ये नई आबादी है। ये कमर्शियल एरिया को जा रही है, ये टेक्नोलॉजी कॉलेज है, और ये आगे यानी कि यहाँ से तालीमी इदारे जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। ये साइड जो है ये वोकेशनल कॉलेज है, और यहाँ पे ये सेटेलाइट टाउन हाई स्कूल आ जाएगा। ये साइड राइट साइड को, और आगे जो है कायद स्कूल है, कायद जिसका पहले नाम था एलिमेंट्री और पहले था नॉर्मल स्कूल, जहाँ से ये एजुकेशन से ट्रेनिंग हासिल की जाती है। फिर आगे स्कूलों में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, ये कायद आज़म अकेडमी, पहले एलिमेंट्री था, ये 300 थे नॉर्मल स्कूल। आगे अब ये जो है ये वन यूनिट चौक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक साइड जो है लेफ्ट साइड जो है फिर ये चली जाती है कैंटेरिया, यानी फिर यजमान रोड के साथ मिल जाती है, और ये अभी सेटेलाइट टाउन ख़त्म नहीं हुआ। वन यूनिट से फिर राइट साइड को जो है वो सेटेलाइट टाउन जो है वो स्टार्ट हो रहा है या इधर से एंड हो रहा है। इसके साथ ही फिर ये दरबार महल है राइट साइड को। और ये डिग्री कॉलेज है, उसके साथ ही ये वानी यूनिट चौक पहुँच गए। ये वानी यूनिट चौक
ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड, और ये जो है साथ ही आगे राइट साइड को जो है वो दरबार में है। ये देखिए ये दरबार में है, तो ये रास्ता जा रहा है गवर्नमेंट गर्ल्स, ये सॉरी गवर्नमेंट ग्रेजुएट। और इसके साथ ये महकमा अनहार है, ये भी बहुत पुराना है, रियासत बहावलपुर का। अभी बिल्डिंग बहुत पुरानी है ये जो, और ये जो है ये है जी सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और ये जो है ये गुलजार महल है, ये दीवार आपको नज़र आ रही होगी, ये गुलजार महल, इसका मैंने कई दफ़ा विज़िट किया है, दरबार महल का भी किया है, एक एक चप्पा एक्सप्लोर कर किया है। ये देखें ये हुई पुरानी दीवार, पाक आर्मी के पास है। आगे जो है ये सदर पुली आ रही है, ये नाजरीन हम सदर पुली पहुंच चुके हैं और सीधे जा रहे हैं फ्रीद गेट, यानी जो इसका नाम बीकानेरी गेट, वहां से फिर टर्न मैं लूंगा। ये राइट साइड जो है ये बाईपास समझे आप बन गया है, और इधर बड़े बड़े मोहल्लात थे, लेकिन अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है मुझे, ये जो ये कॉलोनियाँ बन रही हैं, और तकरीबन नवाबों के जितने भी मोहल्लात थे इधर रिहायशी, ये गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस बहावलपुर है, और ये भी बहुत रियासत बहावलपुर का वही मशीनें बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं, ये अभी फंक्शनल है। और ये डीसी ऑफिस चौक आ गया, ये है जी आप डीसी ऑफिस, और ये ऑफिस कमिश्नर बहावलपुर। और ये राइट वही यूनिवर्सिटी, ये डीसी ऑफिस, ये देखें ये कमिश्नर हाउस। और नाजरीन मैं आपको ये भी मालूम, ये जितना मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे बना होता ना की बगी हैं हुमरानों की, इन फैमिली की बगियाँ शकी और गाड़ियाँ होती थी। आप ये जगह जो है ये ऐसी हो, आप ये सरकारी यानी साथ ही है पोस्ट ऑफिस है पुराना, लेंगे आपको पोस्ट ऑफिस के। ये आगे चुका है, तो ये इक्विपमेंट ये आगे खवाते हैं पहले ये देखें, ये रियासत हमने स्कूल है ये बहुत, और ये इस पर भी घड़ियाल लगा हुआ है, ये आगे टेक्निक आई टेक्निक सामने जो है ये बीकानेरी गेट है। तो आज फ्रीड का नाम नहीं हो गया बीकर, इसलिए कहता था कि सामने जो रियासत का नेर है, ये है सलेंडर्स मैं ट्रॉफिटर पे सारे लाइफ की बिल्डिंग चल रही है, ये ग्राउंड है, ये है ये बाजार है सोन बाजार से पहले, यहाँ पे फ्रीड के पास ही एक पथ बहुत बड़ी हवेली होती थी, यहाँ पे आल हेलोला और रुडेंडा बन बने। ये आज बहावल जमुना सागर इधर सेंट भी है दोस्त लैब जिसे कहता था, और विक्टोरिया हॉस्पिटल भी आ, तो ये है जी ये। ये बड़ा भी है, 2004 में ये कायम विक्टोरिया के नाम है, और इस सिंध से यानी बहावल पंजाब का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है बापू विक्टोरिया। ये पुरानी बिल्डिंग है ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इसे सर्कुलर रोड भी कहते हैं। ये साइड जो है ये सारे मेडिकल स्टोर हैं, और ये गंदा नाला जो जितना भी पानी था बहावलपुर शहर का अंदरूने शहर का पुराने शहर का, वो यहाँ से गुजर के ये हॉस्पिटल से गुजरता हुआ आगे फिर जाके एक जगह ये इसका ड्रेनिंग जो सिस्टम है आगे बनाया हुआ था, वहाँ जाके पानी जो है वो गिरता था। और नाजरीन यहाँ से पानी जो है ये है जी सर्कुल रोड, और ये पुरानी आबादी से ये मैं दिखा रहा हूँ, और ये है जी कैद मेडिकल कॉलेज लेफ्ट साइड पे, ये तंदूरी मशहूर है सर्कुल रोड पे, ये कैद मेडिकल कॉलेज की साइड जा रही है। नाज़रीन ये है जी आप मैं पहुँचा हूँ डरावरी गेट, ये भी एक यानी सात
गेट थे यानी 7 दरवाजे थे, जिनमें से मैंने आपको फरीद गेट यानी बीकानेरी गेट भी दिखा दिया। ये है डरावरी, यानी कि डरावरी इसके सामने जो है किला डरावर, तो इसलिए इसको डरावरी गेट कहा जाता है। अब आ रहे हैं जी हम फवारा चौक यानी खत्म नबूवत चौक। तो नाज़रीन ये हम पहुंच गए हैं जी फवारा चौक। सादा गार्ड पैलेस में होता था ये फवारा, और मलका विक्टोरिया ने दिया था, फिर उसको यहाँ पे नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने शिफ्ट कर दिया था। अब ये खत्म नबूवत चौक है और इसके साथ ही अहमदपुरी गेट है, यानी अहमदपुर इसके सामने ही लगता है। अब मैं आ रहा हूँ ये नूर महल रोड, साथ ही ये हाई कोर्ट है। ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है और ये नूर महल रोड। ये है जी बहावलपुर का, यानी कि मैं आपको व्यूज दिखा रहा हूँ, यानी अब ये रियासत बहावलपुर का कैपिटल, इसे दारुल सुरूर भी कहा जाता था। बहावलपुर को यानी पहला कैपिटल था सब, जब ये रियासत कायम हुई है अलाहाबाद के बाद, फिर ये बहावलपुर जो है ये यानी हेड क्वार्टर बन गया नवाब फैमिली का। तो यहीं पे फिर ये इसको दारुल सुरूर भी कहा जाता था, यानी ये बहावलपुर रियासत बहावलपुर का कैपिटल था। ये राइट साइड को फिर दुबई चौक हो गया, फिर अहमदपुर चरकिया रोड से मिल जाता है ये मैं सीधा ही जा रहा हूँ, और आपको बानिए बहावलपुर वहाँ का मैं उनकी तारीख बताऊँगा आपको, और इस तरह बहावलपुर को मेहनत करके बनाया गया, और जनूब जो शुमाल साइड है वहाँ पे दरिया सतलुज जो आप खुश हो चुका है वो बहता है, अब तो ये इम्तियाज़ प्लाजा हो गया, और इधर ही बीनो हॉस्पिटल यानी जो एक ख़तरनाक डिजीज़ है कैंसर, उसके इलाज के लिए बीनो हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया। अब ये जो है ये फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज एफजी कॉलेज, ये जो राइट साइड है अब ये है जी नूर महल, और लेफ्ट साइड जो है ये बीनो हॉस्पिटल आ जाएगा। तो सामने जो है ये मैं राइट साइड को टर्न होऊंगा, नूर महल चेक पोस्ट 100 मीटर जी, अब मैं पहुंचा हूँ नूर महल। ये है जी नूर महल, काफ़ी बड़ा एरिया है, और ये यहाँ पे अब तो तकरीबन 150 रुपया टिकट लग गया है। ये साइड है ये नूर महल, या सामने में आपको बिल्डिंग भी नज़र आएगी, अभी तो ये दरख्तों की रोड में है, मैं उसी रोड पे जा रहा हूँ। ये जी ये बीच में नज़र आ रही ये रोड। अब मैं जी ये जा रही है जी मलूक शाह, और ये नूर महल जो है ये 1800 जाके 84 में कंप्लीट हुआ था, और ये 1800 इसका 74 में ये शुरू हुआ था नूर महल। यहाँ पे कई सियासी शख्सियात जो हैं वो यहाँ पे आके स्टे कर चुकी हैं। तो ये है जी मलूक शाह रोड, ये बोर्ड लगा हुआ है लेकिन नाम थोड़ा मिटा मलूक शाह लिखा हुआ। अब तो ये आबादी
बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो नाज़रीन, मैं पहुंचा हूं इस वक्त उन हस्ती के कब्र पे जिन्होंने बहावलपुर की बुनियाद रखी 1348 में। ये हैं जी, और यहां पे ये चार कब्रें हैं, तीन बड़ी हैं और एक जो है ये छोटी कब्र है, और इन्हीं में से एक कब्र जो है वो नवाब बहावल खान अब्बासी, जिनका जो दौरे हुक्मरानी था वो था 1746 से लेके 1749 और 50 तक, यानी 49 में ये फौत हो गए थे, और उनके बाद फिर 1750 में तख्त नशीनी मिली मुबारक खान दोम को। 1748 में इन्होंने बुनियाद रखी थी बहावलपुर शहर की, और उसी के मैंने आपको बताए हैं, बहावलपुर का जो पुराना शहर है वो भी मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा चुका हूँ। तो ये जो है इस वक्त यहाँ पे शहर खामोशा, ये है मलूक शाह का बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि मैं तो कहता हूँ एशिया का, बर्रे सगीर का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और यहाँ पे कई हस्तियाँ जो हैं वो आराम फरमा रही हैं। अल्लाह ताला इनको गरीके रहमत करे। और ये मैं आपको आज मैंने कहा आपको दिखा दूं दोबारा से, यानी कि बहावलपुर रियासत के दूसरे हुक्मरान नवाब बहावल खान अब्बासी कहेंगे, कि सादक नाम के हैं वो पांच नवाब हैं, और इसी तरह बहावल नाम के पांच नवाब हैं, एक बारक नाम का और एक जो है मोहम्मद के नाम से। तो इसी तरह ये कुल 12 हुक्मरान थे रियासत बहावलपुर के, और 28 उन्होंने बहावलपुर रियासत हुक्मरानी। बहावलपुर रियासत का जो रकबा था उस वक्त, वो आप शिकारपुर से लेके जो सिंध में शामिल है वहाँ से ये शुरू होके जैसलमीर और बीकानेर की रियासतें भी नवाब साहब में शामिल थी। अब उस 19वीं सदी में फिर आखिरी जो नवाब थे सर सादिक मोहम्मद खान पंजम के दौर में, जो आजकल बहावलपुर डिवीजन यानी बहावलपुर बनलग और रहीम यार खान है, वो ज़िले शामिल हैं फिर ये रियासत बहावलपुर। और शुमाल साइड पे ये सरहद जो जा रही थी ये दरिया सतलुज और आगे फिर दरिया सिंध, और इधर तो फिर ये आप देख लें कि चौलिस्तान का इलाका है जनूब साइड पे, और मशरक साइड पे बीकानेर, बहावलनगर के सामने ही फिर बीकानेर, और इधर जो है वो राजस्थान यारी जो रियासत है जनूब साइड, और इस तरह मगरिब साइड जो है फिर सादकाबाद एंड हो जाता था फिर कोट सफजल के बाद फिर ये जो है रियासत का इख्तिताम जो होता था वो शिकारपुर। और नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ये 1746 में ये वहाँ कलहोड़ा जो नवाब थे उनके साथ जंग करते हुए वो शहीद यानी के हो गए थे, और उनका मकबरा जो है वो शिकारपुर में ही है। और ये दूसरे नवाब हैं जो नवाब बहावल खान अव्वल हैं, इनका ये मकबरा है, और इनके बाद जितने नवाब जो 10 हुक्मरान हैं उनके मकबरा जो है उनका, और उनका जो कब्रिस्तान वो है किला ड्रावर शाही कब्रिस्तान में वो वहाँ दफन है। और ये है हमारे मौसन है बहावलपुर कहें तो, जिन्होंने बहावलपुर की बुनियाद रखी। तो ये मैं आज को मैंने कहा दिखा दूं रियासत बहावलपुर के दूसरे नवाब जो ये यहाँ पे दफन है। तो ये है नाज़रीन, आज मैंने एक प्रोग्राम जो है वो बनाया कि आप लोगों को रियासत बहावलपुर के बारे में जो है इन्फॉर्म करता रहूं। और ये भी आज का प्रोग्राम, और इसी तरह मेरी जो वीडियोज़ हैं वो तकरीबन 1400 से ऊपर वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, इसी तरह शार्ट वीडियो हैं कुछ 400 के करीब, और ये चैनल जो है हिस्ट्री विद अकबर जावेद के नाम से फंक्शनल है, और मेरा जो यही सिलसिला है कि मैं जितने भी हिस्टोरिकल मालूमात हैं वो आप लोगों को बाहम पहुंचाता हूं।
चाहे वो किले हैं, चाहे वो रियासत बहावलपुर के हुक्मरान हैं, चाहे वो महल्लात हैं, चाहे और दरबार हैं, इसी तरह यानी कि तारीख जो है उसको मेरी कोशिश है और मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि वो ज़िंदा हो, जावेद रहे, ताकि हमें अपने जो हीरोज़ हैं उनके बारे में हमें पता चलता रहे और हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो भी इस बारे में उनको इलम हो। लेकिन शो माई किस्मत कि आजकल जो है वो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उनको तारीख से दिलचस्पी नहीं है, वो इसे सोशल मीडिया का जो है वो मिस यूज़ करते हैं। जो बहावलपुर के वासी हैं उनको तो उनके घरों में, उनके दफ्तरों में तो नवाबों की, नवाब जो हुक्मरान हैं उनकी तस्वीर का होना भी ज़रूरी है। ये रियासत बहावलपुर एक अमीर तरीन रियासत थी। और इसी तरह मैं आपको जो सादेकगढ़ पैलेस है, अब मैं राहत मंजर भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इसी तरह सादेक मंजर भी मैंने आपको दिखाई है। तो ये है जी, इस वक्त मैं उस जगह मौजूद हूँ, उस हस्ती के पास मौजूद हूँ जिन्होंने बहावलपुर शहर को आबाद करने में अपना किरदार अदा किया और उनका नाम जो है वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। तो ये है नाज़रीन नवाब बहावल खान अव्वल, जिनका हुक्मरानी का दौर जो था वो 1746 से लेके और 1749 तक रहा। तो ये नाज़रीन बताना था आज, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मज़ीद मालूमात भी जो है आपको बहम पहुंचाता रहूं। तो नाज़रीन ये यहाँ पे खिदमतगार हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनस। और ये आपका क्या नाम है? हैं, इमरान। तो यहाँ पे ये सफाई और उसकी सफाई सुथराई के लिए और यहाँ पे मौजूद रहते हैं। और वक्त ये इनको डरनील कब्रिस्तान से, बड़ा कब्रिस्तान है, डर तो नहीं लगता था को? डर अल्लाह का लगता है। तो यहाँ पे यानी कितना बड़ा कब्रिस्तान है ये? 14 मुरब्बे। नाज़रीन ये 14 मुरब्बे जो है यानी एक मुरब्बे में 25 एकड़ होते हैं, 25। आप यही अंदाज़ा लगा लें कि 14 मुरब्बे, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दें फिर आपको पता चलेगा भी एकड़, फिर बीघा, फिर कनाल, मरला, यानी ये मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो है बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा है। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। अभी मैं आपको और भी एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि जो तारीखी हस्तियाँ हैं यहाँ इस कब्रिस्तान की। तो ये है जी नाज़रीन, अब ये दिल नहीं कर रहा कि उस हस्ती को। और यहाँ पे ये छत कब से बनी है? ये जो है ये बरामदा अब बना दिया गया है 2-3 साल हो गए। 2-3 साल पहले जब मैंने विज़िट किया था तो उस वक्त नहीं था ये। बहरहाल ये अच्छी काविश है, जो नवाब फैमिली है उनकी काविश होगी, जो उनके पोते पड़पोते हैं। अच्छा, ये सारी जो हैं ये नवाब फैमिलीज की ही, ये साथ साथ ये जो कब्रें हैं ये पड़ी हैं। और देख लें नाज़रीन, चाहे बादशाह है चाहे कोई गधा है तो आना तो उसने कब्र में ही है। लिहाजा इसलिए हकूक अल इबाद में है कि तमाम लोगों की, चाहे वो बड़ा है छोटा है, उनका एहतराम करें। और जो है ना तो सरमाया कब्रों में जाना है, और जो आपने अच्छे काम किए होंगे वही आपके काम आएंगे आंदा। तो ये जितने बड़े बड़े हुक्मरान थे वो भी यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको गरीके रहमत करे। तो नाज़रीन इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी जो है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।